नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम हैं दिल्ली के शंघू बॉर्डर और मेरे साथ मौजूद हूं, आप देख लीजिए, लगभग 3 महीने के आसपास होने जा रहे हैं आंदोलन को, और जो किसान आंदोलनकारी हैं वो बैठे हुए हैं शंघू बॉर्डर पे। ज्यों के तो आप नज़ारा देख लीजिए, मेरे साथ निहंग सिंह बने हुए हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हैं और काफ़ी आक्रामक हैं ये। इनको अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको ये छोड़ते भी नहीं हैं। यहाँ लगभग ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ मौजूद हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि आज ये किस कदर देखते हैं इस आंदोलन को। और आप इनके हाथों में देख लीजिए, अपनी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी तलवारें, भाले, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। और ये यहाँ पे अच्छे कीमती इनके पास घोड़े हैं और हर वो सुविधा इनके पास लेके चलते हैं ये, जो इनको ज़रूरत महसूस होती है। और ये घोड़े के अच्छे खासे शौकीन होते हैं और अच्छे अच्छे कला भी है निहंग सिखों के पास। ये एक खाली पोल के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, चाहे कितना भी पतला पोल हो उस पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, काफ़ी इनके पास कला है। और हथियार चलाने की अलग अलग कलाएँ होती हैं निहंग सिखों के पास। तो ये इनसे जानते हैं पहले जी, क्या नाम है साहब आप? खालसा वाहर जी की फतेह। जहदर गुरसेवक सिंह, मालवा तरना दल। इतने जो मोर्चा लग्या किसानों के नाल डटे हुए हैं, ये जिन्ना चिक मोदी 3 कानून जोड़े बनाए हुए आ, वो जिन्ना चिक बिल आपके वापस नहीं लेंदा है, तो उन्ना चिक असं पूरे डटे हुए हैं। सानू पता वा, सानू विश्वास आ, असी वो काले कानून जोड़े ने बनाए हुए आ, वो असं वापस करा के फिर इतों हिलांगे। लगभग 3 महीने हो चुके यहाँ बैठे आप। हाँ जी, अब क्या लग रहा है आपको? क्या वास्तव में ही जो आपके कानून है कहने की सरकार मूड में है, या फिर मोदी जी का कल आपने भाषण सुना 1.25 घंटे का, लगभग संबोधन किया था जनता को, तो आपने सुना भी होगा, क्या लग रहा है उसको लेकर? इन जाने के वापस जेडे 3 कानून है इन वापस करने पैने, असी उन्ना जगह पूरे डटे हुए हैं शंघू बार्डर के उत्ते, ते खालसा पंथ पूरा किसानों के नाल डटिया होया वा। जिन्ना चिक ये मोर्चा यारी रहूगा खालसा पंथ मूहरे होके डटिया रहेगा जी। हाँ जी, आप निहंग सिख हैं। हाँ जी गुरु जी, मैं आपसे भी जान लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप निहंग सिख हैं। हाँ जी, तो ये जैसे आपके पास जो इतनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं, हाँ, और यहाँ पे ये हर चीज आप लेके चलते हैं साथ, तो ये कहाँ से आपको विद्या मिली है या कहाँ दीक्षा मिली है ये चीज रखना आपके पास जरूरी है, या फिर सुरक्षा के लिए रखते हैं आप? ये सब गुरु ही देते है जी, सब जो ये बाणा पहन लेते हैं तो सब कुछ गुरु का ही आते, गुरु ही देते हैं। समय दे समय शास्त्र भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, जैसा समा ऐसा ही शस्त्र देते हैं। हम तो कहते हैं जो मुखी है हमारे आपदा बैठ के संभला लेन, हमारे निहंग सिंह तक ना ही पहुंचने दे। अगर हमारे तक पहुंचेगा तो फिर हम तो फैसला करेंगे जो करेंगे। किसानों के नाल जुड़े हुए बैठे वाले सब जी, यही सिखों में इतना गुस्सा क्यों होता है? नहीं जी, गुस्सा नहीं आता, कभी नहीं आता गुस्सा। गुस्सा जा भी आता, हमने देखा पंजाब में गाड़ी नहीं निकले दे रहे थे पुलिस वाले, तो नियत से कुतरा उसने हाथ ही काट दिया उस। नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई तो गलती उनके अंदर होगी ना। हाँ, वो धक्का मुक्की कर, आपको नहीं, आपको नहीं हमने बोला कुछ, आप आए हमारे पास, आपने प्यार से बात तो कोई भी पूछ रहे थे, हम आपको बोल रहे बात जो भी बोल रहे उसका जवाब दे रहे, तो क्या आपका हाथ कैसे काट देंगे हम? जब भी कहीं कोई मार धाड़ की या लड़ाई की बात होती है तो नियत सिख आगे क्यों होते हैं? जी हमारी परंपरा है, परंपरा। हाँ जी, हमारे गुरु की परंपरा है, जहाँ गरीब और गौ की मदद करी जाती है, इधर जो हमारे शरण पे आता है, गुरु की शरण पे आ जाता है, उसकी मदद करी जाती है। जो भी किसी के पास है जैसी मदद है वैसी मदद करते हैं हमारे, ऐसा हमारा है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं, जो भी हमारे धर्म में आ जाता, जो अमृतधारी हो जाता, तो उस गुरु की गुरु का ही हो जाता, वो गुरु का ही है। ठीक है जी, गुरु से आप जो ये इतनी बड़ी तलवार ले रखी है आपने, यहाँ पे भी ये भी कुछ न कुछ है, बाकी यहाँ पे आपने छड़ी लगा रखी है, तो जरूरत पड़ने पर सबका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, करना पड़ता, आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा तो मैं आपके पास शस्त्र है तो मेरे पास आओगे भाग के, तो मेरा फर्ज है आपकी रक्षा करना।
इसलिए शस्त्र रखते हैं। ऐसे किसी से जबरदस्ती हम ऐसे थोड़ी मारते पीटते रहे, हमें भी बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी है, सबको सोच समझ के चढ़ना पड़ता है। जो गृहस्थी नहीं उसकी नहीं मैं बोलता, जो गृहस्थी है उसको बहुत कुछ सोच के जाना पड़ता है मैं क्या करने लगा हूँ। ऐसे साढ़े निहंग सिंह बच्चे हमारे बच्चे, इनकी भी देखने जो मुखिया उनको देखना चाहिए ना, देखभाल पूरा करना चाहिए। तो निहंग सिंह यहाँ दिल्ली मैदान में पहुंचे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे जी? सरकार को यही कहते हैं भी अपने आप अपना सरकार को संभालो। जो राजा आंदा प्रजा का राजा आंदा सुख देने वास्ते आंदा, किसी ने दुख देने वास्ते नहीं आ, किसी ने दुख देने वास्ते नहीं। कोई साधु होया, फकीर होया, कोई भी होया, चाहे कोई राजा होया, वो दुख देने वास्ते नहीं होंगे, वो संगत ना प्यार करने वास्ते गरीब तो गरीब नाल। ये नहीं भी रजिया जेड़ा उन्हें खिंच के लै आओ, जेड़ा भुखा धक्के मार के बाहर कढ़ो, ऐसा नहीं है। गुरु ने दस्या गुरु के स्थान से चलना पड़ेगा, फिर फैसले होंगे। तो आप गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हैं, जो नौ निहंग सिख थे उन्होंने बहुत बड़ी सेना को खत्म कर दिया था अकेलों ने। ऐसा जी कैसे खत्म कर दे, तो एक जगह भी बैठ के जो मर्जी कर सकते थे। नहीं, आप नौ गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हैं आप। हाँ जी हाँ जी। यानी कि आपकी लड़ाई हुई थी किसी जमाने में। हाँ जी। वो एक आपका स्लोगन भी है, बाज कुआऊं नौ वो चिड़िया। गुरु दे हुक्म तो बिना कुछ नहीं करते थे खालसे। जो गुरु बोलता था वो जिसको बोला वो ही जाता था, जैसा लेके जाना कैसे भी जाना, तो जो गुरु बोलता था उसके हुक्म से जाते थे, ऐसे कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता था। तो अब गुरु जी का हुक्म है? हुक्म है। हाँ। गुरु जी का हुक्म तो बैठे वाले इधर आ गए। बिल्कुल, गुरु जी का हुक्म तो इतने बैठे है ना, कोई कितो चल के आया, कोई कितो चल के आया। ठीक है, अच्छा गुरु जी का हुक्म आपका हाथ चुका है, तो आगे का क्या हुक्म है गुरु जी का? गुरु जी का जो हुक्म होगा देखा जाएगा। पहले तो बोलता गुरु गुरु साहब दा पालकी साहब गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किए हुए शंभू बार्डर के उ जो असी जो चलना वो हुक्मनामा लिया जाऊगा, वो जो गुरु साहब हुक्म करे फिर हुक्म खालसा पंथ पहरा देगा। क्या बात है। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं, तो हमारे साथ जी 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 क्या आप भी साथ आए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के गया पर साढ़े लोग जो इलेक्शन लड़ते लोग जो कोई मंत्री आप बनाने आ बंदे वोट पाने जी आप मत करने वेखो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो सानू सड़क के उत्ते लैके आ गया, ओह गल हो गई आ। चाह वेचण वाला एक प्रधानमंत्री बन गया है, इन्हू कहा अपनी चाह वेच जाके जेड़ा काम करना होर काम नहीं तेन कोई है। चाह वेचण वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, चाह वेचण वाला इन्हू बन गया है। इन्हू कहा साढ़े काने कानून जेड़े किते रद्द काने कराने ये वापस करते जेड़े जुड़क जेड़े ठंड विच बैठे आ, तो ठंड विच इन्ने बैठे दिन लाट काने कानून वापस करते आप चल जाने, नहीं काटा फिर वट फट आप कटने काले कानून वापिस कर लीजिए। जिंदाबाद जी। आप भी आ जाइए। तो हमारे साथ छोटे से बच्चे हैं नियंग सिख को के साथ और नियंग सिख हैं आप भी। अरदासे दी हुंदे आ पंथ दे ना जेड़े घोड़े आ ते पचंगी आ ये अरदासे दी पंथ नू चढ़दे आ। आज दो बच्चे घोड़े अज चढ़ा के गई है संगत कोट कंगू तो आई हुई है संगत जिला लुधियाने तो ये घोड़े ते जदों महाराज छेवे पातशाह ने अकाल तख्त साहब तो सरजना की सी उदो यही ऐलान किया जो पंथ से कोई जो कोई वक्त की घड़ी आँदी है जो पंथ खालसा जंग न चढ़ता वा सानू घोड़े ते शस्त्र ये चढ़ाओ ते पचंगी उदो गुरु साहब ने यह ऐलान किया अकाल तख्त साहब तो। आप एक करोड़ के घोड़े रखते हैं? हाँ जी। ये महाराज इन्हों की कोई कीमत नहीं है, घोड़े की कोई कीमत नहीं, जो गुरु साहब न भेटा हो गया ना ओरी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है जी। मैं आपसे जानता हूँ अब नियंग सिंह कितने आए हुए हैं लगभग यहाँ पे? जहाँ जी नियंग सिंह की कोई गिनती नहीं, आप भी नियंग सिंह ही हो, आप भी नियंग सिंह है। कुछ बाणे पे सेवा कर रहे हैं, कोई कैसे दूसरे कैसे बाणे से सेवा कर रहा, जैसे जैसे सेवा लेनी है महाराज आपको अपनी निभा रहे हैं, आप भी तो सेवा ही कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल जी। बेटा आपसे जानते क्या नाम है? गुरप्रीत। तो यहाँ आप भी साथ आए हुए हैं, किस लिए आए हो आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਮਕੋ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਸੜਕ ਪੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਮ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੋ ਮੌਕਾ ਪੜਾ ਤੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਪੂਰਾ।
क्या नाम है अथरू कह दा गोला भी सुटिया गया जिद परेड की गई आ ओदे जानी के भजंगी दे उत्ते अथरू कह दा गोला घोड़े ते ते सुटिया गया वा साढ़े तीन घोड़े चढ़ाई कर चुके कुछ ढले हुए उसे बार्डर दे उत्ते शिंभू बार्डर दे उत्ते। हाँ जी, तो जब तक कानून वापिस नहीं तो यहाँ से आपकी वापसी भी नहीं? हाँ नहीं, साड़ी वापसी नहीं, शहीद हो जाएंगे। हाँ। साड़ी कोई वापसी नहीं है, किसानों तो पहला असि मूहरे खड़े हैं, सानू शहीद करके किसानों नहीं आ सकती सरकार, उन्ना चक असि नहीं आने देवांगे। तो आप ट्रैक्टर और गाड़ियां ये देख लीजिए, पहले तस्वीरों हम दिखा देते हैं, जो नियन सिंह का अपना पूरा तामझाम साथ लेके चलते हैं, इनकी गाड़ी ट्रैक्टर घोड़े सब कुछ इनका साथ होता है, और ये पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे डटे हुए हैं, और इनका साफ कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तो ये घर वापसी नहीं, और डट के मुकाबला करेंगे। क्यों जी? शांत भाई, माहौल बहुत वधिया चल रहा है, जे एक अपना सरकार चाहे पहला भी जावर सरकार कर दया रही है, खालसे से भी जबर कर सकदियां, उदे भी इन्होंने घोड़े शहीद कर दिते आ, एक साडा नौजवान किसान शहीद होया उसे लाल किले ते गोली मार के इन्होंने शहीद किया वा। चलो हाँ जी, सरकार जबर कर दया रही है, ते खालसा पंथ झलदा तुरै आया वा, ये जेड़ा लाल किले ते आंदे असी झंडा चढ़ा दिता वा, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, जो गुरुजी ने इनको दिया है वो इनके साथ लेके चलते हैं, और उनका कहा कि गुरुजी का आदेश होगा तो हम जब भी आदेश आएगा मरने और मारने के लिए तैयार हैं, गुरुजी का जो आदेश होगा वो हम पूरा करेंगे, और कानून वापसी होगी तो ये हमारी यहाँ से वापसी होगी, और डट के कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे। तो मैं सभी बातों के साथ, मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।